ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, लेकिन इस बात को साबित करती हुई एक खबर हम आपको बता रहे हैं। बात बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले की। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को मामले में फैसला तो सुना दिया है, 19 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 28 जनवरी को सजा पर मुहर भी लग जाएगी, लेकिन लड़कियों के खिलाफ इस अपराध में महिलाओं की भूमिका आपको चौंका देगी। 19 दोषियों में से 8 महिलाएं इस महापाप का हिस्सा रहीं। सोचने वाली बात ये है कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या एक लड़की अपनी माँ, बहन या सहेली पर भरोसा कर सकती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जिन महिलाओं पर असहाय लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, वही उनकी अस्मत लुटवाने में अहम भूमिका निभा रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बालिका गृह के संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 28 जनवरी को बहस के बाद फैसला लिया जाएगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाए। पहले आप उन महिलाओं की लिस्ट देखिए जो इस महापाप में शामिल थी। इंदु कुमारी, बालिका गृह की अधीक्षक। मीनू देवी, बालिका गृह में गृह माता। मंजू देवी, बालिका गृह में काउंसलर। चंदा देवी, बालिका गृह में गृह माता। नेहा कुमारी, बालिका गृह में केस वर्कर। किरण कुमारी, बालिका गृह में सहायक। रोजी रानी, बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक। साइस्ता परवीन उर्फ मधु, ब्रजेश की राजदार। इस लिस्ट में बालिका गृह की गृह माता भी शामिल है, जिस पर बच्चियों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं के साथ भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इस फैसले के बाद भरोसा खुद के अलावा किसी पर भी करना अब एक भयावह सपना बनकर रह गया है। अगर सुरक्षित रहना है तो आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।